हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रीता श्रीवास्तव आज आप लोगों को 10th की इंग्लिश की ग्रामर पढ़ाऊंगी। ग्रामर में सबसे पहले तो आता है अल्फ़ाबेट्स। सभी बच्चे जानते होंगे कितने होते हैं अल्फ़ाबेट्स। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स के जब अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं तो छोटे छोटे वर्ड बनते हैं। वर्ड्स के बाद अगर कई वर्ड्स मिलते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। आज हम लोग सेंटेंस ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या है पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर इसके आगे पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कम्प्लीट सेंस इट कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब शब्द का वो समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। हिंदी में वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपके पास पेंसिल नोटबुक है तो इसको नोट कीजिए, और नहीं है तो इसको ध्यान से सुनिएगा। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने होते हैं सेंटेंस, 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ है ऑपरेटिव सेंटेंस। ये 5 हमारे सेंटेंस होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस को कहते हैं कथनात्मक वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं आज्ञा या पर्यायवाची वाक्य। चौथा होता है आश्चर्यबोधक वाक्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा होता है ऑपरेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं इच्छाबोधक वाक्य। ठीक है, 5 प्रकार के वाक्य हो गए। अब हम लोग 5 प्रकार के वाक्य जो है उनके एक एक के बारे में भी जानेंगे, तभी समझ में आएगा। फर्स्ट होता है एडजेक्टिव वाक्य। क्या होता है फर्स्ट एडजेक्टिव वाक्य होता है, ये सेंटेंस होता है, इसको हम लोग हिंदी में कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। एडजेक्टिव वाक्य के अंतर्गत ये होता है कि कोई काम हो या ना हो, कोई काम जब करते हैं तो या तो होता है या नहीं होता है, इसे ही हम एडजेक्टिव वाक्य कहते हैं। जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है निगेटिव सेंटेंस। आप लोग इसको पहले से भी जानते होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक उसका उत्तर देना। ठीक है, अफर्मेटिव स्वीकार कर लेना, निगेटिव उसको नकारात्मक उत्तर देना। जिस प्रकार से एग्जाम्पल होता है, मोहन रीड्स ए बुक, एक सेंटेंस मैंने बोला मोहन रीड्स ए बुक, इसको अगर निगेटिव में चेंज करें, नकारात्मक में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मोहन डज नॉट रीड अ बुक। क्लियर। फिर है ही इज ए डॉक्टर, हम क्या कहते हैं ही इज ए डॉक्टर, निगेटिव में क्या बोलेंगे, ही इज नॉट अ डॉक्टर। ओके, राम सिंग्स ए सॉन्ग, राम डज नॉट सिंग्स ए सॉन्ग। ये सब आपका एडजेक्टिव सेंटेंस में ही चल रहा है, और अफर्मेटिव और निगेटिव यही दोनों आपके इस सेंटेंस में आते हैं। फिर है शी वॉज इन द रूम, शी वॉज नॉट इन द रूम, वी आर राइटिंग अ लेटर, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, द बॉय इज पनिश्ड एवरी डे, द बॉय इज नॉट पनिश्ड एवरी डे, रेडीमेड गारमेंट्स आर सोल्ड हेयर, रेडीमेड गारमेंट्स आर नॉट सोल्ड हेयर, आई एम इन्वाइटेड एवरी ईयर, आई एम नॉट इन्वाइटेड एवरी ईयर, द हाउस वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, द हाउस वॉज नॉट डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। इस प्रकार से किसी भी वाक्य को या हम इसको स्वीकारात्मक लेते हैं, मतलब अफर्मेटिव में लेते हैं, या निगेटिव में लेते हैं, ये हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस, या हिंदी में कहिए तो कथनात्मक सेंटेंस इसे कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा इसके नाम से ही क्लियर है कि प्रश्नवाचक वाक्य,
प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जब हम कभी किसी से कोई प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वो मेरा कौन सा सेंटेंस कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, मैंने क्या पूछा? आर यू गोइंग टू स्कूल, ये मैंने किसी से प्रश्न पूछा है, तो ये कौन सा सेंटेंस आपका हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डू दे लाइक कॉफ़ी, क्या वे कॉफ़ी पसंद करते हैं? दे लाइक कॉफ़ी, वे कॉफ़ी पसंद करते हैं। विल शी राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर। द पीपल इज स्वीट, द एप्पल इज स्वीट, इज दिस एप्पल स्वीट? यू कैन रन फास्ट, कैन यू रन फास्ट? बस इसमें इतना ध्यान रखना होता है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें लिखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं। फिर से एक बार इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर कर देते हैं। जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है, जो सेंटेंस बोला जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लिखते समय इसमें सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है इम्परेटिव सेंटेंस? इसको हिंदी में कहते हैं किसी को आज्ञा देना, पर्यायवाची शब्द करना, ये इम्परेटिव सेंटेंस में आपके आता है। हिंदी में इसको फिर से समझ लीजिए एक बार। जिस वाक्य से आज्ञा देना किसी को, किसी से रिक्वेस्ट करना, कोई किसी को सलाह देना, प्रस्ताव रखना या अपना भाव व्यक्त करना, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग योर बुक टू मी, क्या कहा? ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मेरे पास लाओ। किसी ने कहा अपनी किताब मेरे पास लाओ, मतलब उसने किसी को ऑर्डर दिया कि अपनी बुक आप मेरे पास लेकर के आओ, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाता है? इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। फिर किसी ने कहा गिव मी योर बुक प्लीज़, गिव मी योर बुक प्लीज़, उसने किसी से रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ लगा दिया, मतलब उसने रिक्वेस्ट किया कि कृपया आप अपनी किताब मुझे दे दीजिए, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। फिर है हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करो। निडी ज़रूरतमंद, जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी मदद करिए, ये क्या हुआ? किसी को सलाह दी जा रही है कि आप जो लोग को ज़रूरत है उसको आप उसकी मदद करिए, मतलब ये क्या हो गया? किसी ने किसी से सलाह दी है, तो ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, मतलब कोई किसी को ये सलाह दे रहा है कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये आपको कौन सा सेंटेंस होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है। डू नॉट गो देयर, कोई किसी को ये आज्ञा दे रहा है, डू नॉट गो देयर, आप वहाँ पर मत जाओ, तो उसको आज्ञा दे रहा, ऑर्डर दे रहा है, ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फिर है लेट अस गो टू द मूवी, चलो आओ आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं। किसी ने किसी से प्रपोजल अपना रखा, प्रस्ताव अपना रखा कि चलो आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस आता है? इम्परेटिव सेंटेंस आता है। फिर से इसको सुनिए एक बार। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी को आज्ञा दी जाती है, किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, किसी से सलाह दिया जाता है, किसी को कोई प्रस्ताव रखा जाता है किसी के पास, तो वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है आश्चर्यबोधक वाक्य। किसी चीज़ को सुन के जब आपको आश्चर्य होता है तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जिस वाक्य से कोई को सुन के आश्चर्य हो, हर्ष हो, शोक हो, किसी को देखकर आपको दुख हो, डर लगे, भय हो और नफरत भी हो, किसी को देख के अगर आपको नफरत मन में होती है तो वो आपका क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऐसा सेंटेंस जिसको सुन के आपको लगे कि कोई किसी से नफरत करता है, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। फिर से इसकी एक बार हिंदी में समझ लीजिए। जिस वाक्य से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि चीज़ों का पता चलता है, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या इसको आश्चर्यबोधक वाक्य भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका है, सॉरी अभी इसमें एग्जांपल मैंने नहीं दिया, इसका एग्जांपल है जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वो कितनी सुंदर है, ये इसे देखकर आश्चर्य हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। वो कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वो कितनी सुंदर लड़की है, ये आपका
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। फिर हाउ प्लेजेंट द रेन इज, वर्षा कितनी सुखद है, बारिश हो रही है तो ये लगता है कि वर्षा कितनी सुखद है, बारिश हो रही अच्छा लग रहा है तो बोला हाउ प्लेजेंट द रेन इज, मतलब उसको आश्चर्य हुआ ये सुखद, उसने अपनी खुशी का वर्णन किया, तो यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। फिर व्हाट ए मिसफॉर्चून, कैसा दुर्भाग्य है, मतलब ये मन में लगा कि कैसा दुर्भाग्य है, एक तरह से असहाय हुआ, तो वहाँ पर भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। फिर लास्ट आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया, किसी ने कहा लास्ट आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कराया। मतलब जिस चीज़ को सुन करके आपको आश्चर्य हो कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब लास्ट आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब इच्छाबोधक वाक्य, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, इच्छाबोधक वाक्य। वाक्य के प्रारंभ में, इसमें जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो वाक्य के सेंटेंस स्टार्ट करते समय इसमें मे का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहिए, क्या कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहिए, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, मे, तो मे से स्टार्ट हुआ है, ये कौन सा हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसकी डिफिनेशन एक तरह से इस प्रकार से होती है कि जब किसी सेंटेंस से आपको लगे कि आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, या अपनी कोई अच्छी सी कामना कर रहा है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। फिर मे यू गो टू हेल, क्या कहा किसी ने गुस्से में, मे यू गो टू हेल, आप नर्क में जाओ, मतलब भगवान करे तुम नर्क में जाओ, उसने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी, अच्छा का या बुरा का किया तो ये आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसके बाद आता है लॉन्ग लिव आवर किंग, लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारे देश का राजा जो है ईश्वर करे उसकी लंबी आयु हो, वो दीर्घायु हो, लिव लॉन्ग, हमारा राजा है, हमारे देश का जो राजा है वो लंबी आयु उसकी हो। लोग कहते हैं गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आपको आशीर्वाद दे, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, ये क्या हो गया आपका गॉड ब्लेस यू, जैसे किसी ने कहा तो जनरली लोग बोलते रहते हैं घरों में गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, ये सब क्या है, ये सब आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। इस प्रकार से बच्चों सेंटेंस क्या है, सेंटेंस आपको पता है कि जब कई शब्दों का एक समूह बनता है, अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, कई शब्दों का जब एक समूह बनता है उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं हिंदी में। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी सेंटेंस होता है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये आपका था सेंटेंस। इसके आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।